एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो पिछले 80 वर्षों से लगातार समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है और इस कार्य में नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन विद्यालय लगातार करता रहता है। ऐसे ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन विद्यालय के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में किया गया। थीम था राजयोग के द्वारा शांति, स्वास्थ्य और खुशी की प्राप्ति। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पांचों ही महाद्वीप के महानुभाव पधारे। एक ऐसे ही महानुभाव आज मंच पर हमारे साथ हैं। आप हैं डॉक्टर प्रियांक जी, जो कि डीन हैं इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज इंदौर के। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में आने का। वैसे तो बहुत व्यस्त रहते हैं डॉक्टर साहब, डीन हैं, व्यस्तता तो वैसे भी आपकी बहुत रहती होगी। क्या एक खास ख्याल आया कि नहीं, इस कार्यक्रम में तो मुझे चलना ही चाहिए? नहीं, एक्चुअली काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी, क्योंकि हम काफ़ी सारे ब्रह्म कुमारी को हम ट्रीट करते हैं अपने हॉस्पिटल में, और काफ़ी समय से उनका जो चेहरे पे जो शांति और सुख रहता था, हम उनसे उसका कारण पूछते थे और उसका राज पूछते थे, और हर बार हमें यही बताया जाता था कि आप आइए, हमारे शिविर में आइए। तो उसी सत्य को जानने के लिए मेरी बड़ी उत्कंठा थी कि मैं आऊँ जी, और ये तीसरी बार जाकर इस बार संभव हो पाया, तो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरा आना हुआ। और बिल्कुल, और बहुत ही अलौकिक अनुभव है यहाँ पे जी। सबके चेहरों पे जो बिल्कुल प्रसन्नता और शांति है, और एक्चुअली यही हमारे मानव जीवन की मुख्य आधार है कि हर व्यक्ति खुश रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, और यहाँ आके मतलब मुझे सचमुच वैसा ही आभास हुआ है जी। जी, तो क्या लगता है आपको, ये जो एक विषय रखा गया है कि राजयोग के द्वारा शांति, खुशी या संपूर्ण स्वास्थ्य, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं और किस प्रकार की चर्चा आप लोगों की इस कॉन्फ्रेंस में हुई? एक्चुअली जैसा कि हम देखते हैं कि आज की ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। तनाव हर युग में रहा है, अब मेरे ख्याल से उसको रिएक्ट करने में हमारी तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे मेडिटेशन इन सब चीज़ों से दूर होते गए। तो तनाव पहले भी था, तनाव आज भी है, लेकिन उस तनाव को हैंडल करने के लिए हमारे पास साधन नहीं है, और यही राजयोग और जो मेडिटेशन है वो तनाव से मुक्ति पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। मैं यहाँ पे और भी विभिन्न धाराओं के लोगों से मिला और सबका अनुभव मैंने शेयर किया, और मैं आगे जाके इंदौर जाके वापस अपने छात्रों में और अपने स्टाफ में भी वही चीज़ फैलाना चाहूँगा। 24 घंटे रहते हैं हमारे पास रोज़, उसमें से मात्र अगर हम 5 मिनट भी स्वध्यान के लिए और मेडिटेशन के लिए अगर निकाल सकें, तो बाकी 23 घंटे 55 मिनट हमारे बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो जनरली हम यही सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, हमारे पास इस चीज़ के लिए समय नहीं है, या जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो सोचती है कि ये ध्यान कर्म का काम तो केवल बुजुर्गों के लिए है। जी जी, लेकिन मैंने अपने स्वयं के अनुभव से ये देखा है कि अगर हम बहुत जल्दी ये चीज़ अगर समझ सकते हैं तो हमारी पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तनाव मुक्त रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप भी इसका अभ्यास करते हैं, राजयोग का, या फिर इसके अभ्यास को पहले सेवा केंद्र पे जाके कर चुके हैं? इंदौर वाले सेवा केंद्र पे मैं गया था, लेकिन हाँ, मैंने अभी तक इसका पूरा कोर्स नहीं किया। अभी नारायण भाई ने मुझे अभी रास्ते में ही बताया था, तो मैं जाके बिल्कुल प्रॉपर कोर्स की ट्रेनिंग लूँगा। लेकिन मेडिटेशन मैं अदरवाइज भी करता रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में बाकी लोग भी करते हैं जी, लेकिन पूरी तरह से अभी मैंने शुरू नहीं किया। वो करेंगे जी। कितनी आवश्यकता आज के दौर में आपको लगता है कि अध्यात्म और मेडिटेशन का है, क्योंकि एक प्रकार से हम भागे जा रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अकर भी लेते हैं, एट द एंड ऑफ द लाइफ जाके ऐसा लगता है कि अरे, जो रियल शांति, खुशी, आनंद या जीवन का जो ध्येय होना चाहिए था, शायद उससे हम दूर हो गए। तो कितना ज़रूरी महसूस करते हैं हर एक वर्ग के लिए से? नहीं सर, एक्चुअली जैसे हम देखते हैं कि जब कोई छोटा सा बच्चा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और वो कुछ उसको एक महज एक गेंद या गुब्बारा दे दिया जाता है, तो उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता झलकती है, हम उस प्रसन्नता के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। हम सोचते हैं हम आज ये अचीव कर लेंगे, हमें सुख मिल जाएगा, आज हम ये गाड़ी ले लेंगे, अरे इससे अच्छी गाड़ी ले लेंगे, आज मर्सिडीज ले लेंगे, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास आती है तो हमें उसका उतना सुख का अनुभव या अनुभूति नहीं होती। आज दादी जानकी जी ने एक बहुत छोटी सी बात कही थी कि उन्होंने कभी पर्स नहीं रखा,
और उसके बाद भी उनकी जिंदगी इतनी अच्छी चली कि आज 102 साल की उम्र में भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और वो सुख और वो शांति जो आज उनके चेहरे पे थी, हम पूरी जिंदगी वही शांति और सुख ढूंढने के लिए निकाल देते हैं। और दूसरा, हम ये सोचते हैं कि हमें ये सुख और शांति किसी चीज को अचीव करके या अटेन करके मिलेगी, लेकिन अगर हम सही तरीके से सही रास्ते पे गाड़ी चल रहे हैं तो वो सफर ही इतना अच्छा है कि हमें मंजिल से सुख ढूंढने की या खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा भी अपना मानना यही है कि इंस्टेड ऑफ सम अचीवमेंट, अगर हम प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे जी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सफर का पूरा हमें आनंद लेना चाहिए जहाँ हम हैं। ऐसे में जो एक जो बात आपने कही कि कई बार हर एक व्यक्ति ये कहता है कि भाई बहुत ज्यादा व्यस्तता है जिसके कारण हम ध्यान के लिए या अध्यात्म के लिए या अपने आप के लिए वक्त नहीं निकाल पाते अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे अपने अनुभव से कि आप खुद भी कैसे समय चुराते हैं और कैसे व्यक्ति समय चुरा सकता है? काफी समय, मतलब मैं अपने दादाजी के साथ रहा हूँ, दादाजी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और दादाजी को मैंने बचपन से देखा, सुबह 5 बजे उठ के, और उस समय शायद मजबूरी भी रहती होगी कि पानी सिर्फ सुबह सुबह ही आता था तो जब भी मैं उठता 5 बजे दादाजी उठ जाते थे जी। और वो मुझे भी उस समय से ही प्रेरित करते रहते थे कि उठ जाओ, लेकिन क्रिकेट मैच अगर हुआ तो मैं ज़रूर उठ जाता था, अदरवाइज कभी नहीं उठ पाता था। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जब से मैंने 3-4 साल से मैंने उठना शुरू किया, सुबह अगर 1 घंटा भी अगर हम जल्दी उठ पाते हैं तो हमारे लिए पूरे दिन में घंटे बहुत आराम से निकल आते हैं जी। और मतलब जब तक मेरे परिवार के बाकी सदस्य उठते हैं तब तक मेरा पूरा दिनचर्या प्लान्ड आउट हो जाती है, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे साथ सहकर्मी हैं, उनको किसको क्या क्या काम करना है, देना है, वो आज सब मैं यूज़ कर लेता हूँ उस 4 बजे से 5 बजे के समय में। क्या बात है। और लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप है, टेक्नोलॉजी है, ये सब तो समय खाती है, लेकिन मैं इसी चीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाता हूँ कि सबको दिशा निर्देश फ़ोन लगा के करने के बजाय व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। और हमारा पूरा कॉलेज जो है इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, ये पूरी तरह से व्हाट्सएप के सही इस्तेमाल की वजह से बहुत सुचारू रूप से चल पाता है। जी जी जी। और 5 से 6 मेरी पत्नी साथ में रहती हैं, हम वर्क पे जाते हैं, इनफैक्ट आज हमारा विवाह वार्षिकी है। अच्छा। मैं आज उनके साथ नहीं मौजूद रह सकता हूँ आपको शुक्रिया। लेकिन 5 से 6 का समय हम दोनों का रहता है, 6 बजे मेरी बेटी उठती है तो 6 से 7, 7:30 जब तक सब लोग तैयार हो रहे होते हैं उस समय, तो वो एक परिवार का समय हो जाता है, मेरे माता पिता भी उठ जाते हैं उस टाइम तक जी जी। और 7:30 बजे मैं निकल जाता हूँ काम पे, मेरी बेटी स्कूल निकल जाती है, मेरी वाइफ दूसरे कॉलेज में पढ़ाती हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, वो निकल जाती हैं। तो जब हम 7:30 बजे बाहर निकल रहे हैं घर से, तब तक हमें उस दिन का जो परिवार का सानिध्य है वो मिल चुका है, जो ईश्वर का सानिध्य है वो मिल चुका है जी। और पति और पत्नी के बीच में जो समय चाहिए वो भी मिल चुका है। तो 7:30 बजे हम पूरी तरह से परिपूर्ण होके घर से बाहर निकलते हैं जी, जी, जी। तो ऐसा नहीं है, समय को हम इस्तेमाल करें तो अच्छे से कर सकते हैं। और 5, 5.5, 6 घंटे की अच्छी नींद अगर हो तो हमें 8 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। अरे बात आपने अच्छी कही कि यदि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, थोड़ा ध्यान से शुरुआत करते हैं, ईश्वर की याद से शुरुआत करते हैं, तो सब चीजें बहुत अच्छी तरह से स्मूथली हम अपने कार्य को कर पाते हैं, क्योंकि मन शायद उस समय बहुत अच्छी तरह से चार्ज हो जाता है। एक खास चीज जो यहाँ पे चर्चा में आप लोगों की हुई होगी, शांति के लिए विशेष एक प्रयास सारा संसार कर रहा है, हम भी चाहते हैं, आपके विचार से कौन सी ऐसी चीज है जिसने व्यक्ति की आंतरिक शांति को छीन लिया है? मेरे ख्याल से सत्ता और पैसे की अंध भूख और बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करने की दौड़। ऐसा नहीं है कि हम टोटली अगर स्पिरिचुअलिज्म में हैं तो हम भौतिक जगत को एंजॉय ना करें, मैं बिल्कुल उस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन उस भौतिक चीज़ को एंजॉय करने के लिए या उस तक उसको हासिल करने के लिए अगर हम सही तरीका इस्तेमाल करेंगे, सही रास्ता अख्तियार करेंगे, तो हमें उसमें एंजॉयमेंट पूरी तरह से मिलेगा। आज की डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करने के लिए हम रास्ते पे ध्यान नहीं देते, शॉर्टकट लेना चाहते हैं या गलत रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं जी। दिल में हमें भी पता है कि हम शायद जो कर रहे हैं वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, बचपन से पेरेंट्स, स्कूल, कॉलेज, सब जगह समाज ये चीज़ के लिए मना करता है, लेकिन हम उस टाइम उसको परे रख देते हैं और हम नहीं, हम केवल लक्ष्य पे केंद्रित कर रहे हैं।
उस वजह से जब हमें वो चीज़ें हासिल होती हैं तो शायद हमारे अंतर मन में सबकॉन्शियस अवचेतन लेवल पे हमें पता है कि हमने जो हासिल किया वो गलत तरीके से किया, तो शायद इसलिए उसका तनाव, उसका कुंठा अंदर ही अंदर रहती है। लेकिन अगर वही चीज़ हम सही तरीके से करेंगे तो हम बिल्कुल खुशी खुशी उसको एंजॉय कर सकेंगे और किसी को हम पे उंगली उठाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक शॉर्टकट वाली चीज़ को हम थोड़ा सा किनारे रखें, अपने अंदर की जो अंतरात्मा की आवाज़ जिसको कहते हैं उसको भी हम और अवश्य सब में होती है सर, सब जी, में जी, होती जी, है। जी, वो आवाज़ तो उठती है जहाँ कहीं भी आप, जैसे आपने कहा हमारा सिस्टम ही एक ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि वो चीज़ें हमारे अंदर डाली गई हैं और जब कभी हम कुछ गलत करने को जाते हैं आवाज़ उठती है, आवश्यकता उस आवाज़ को सुनने की है। तो कैसे मन को पुनः शांत किया जा सकता है, या फिर हम एक समाज की भी शांति या विश्व की भी शांति की बात करते हैं, कहाँ से शुरुआत हो आपके विचार से, क्योंकि हर एक चाहता तो जरूर है, शुरुआत कहाँ से हो? एक्चुअली आज जब सुबह का सेशन मैं देख रहा था, अटेंड कर रहा था, नाइजीरिया से हमारे गेस्ट आए थे, कुछ लोग कनाडा से आए थे, कुछ एक महिला थी वो ऑस्ट्रेलिया से आई थी, जी जी, और प्रायः सभी महाद्वीपों के लोग हाँ, एकत्रित हुए जी, और एक ही हॉल में एक ही जगह बैठे हैं, एक ही तरह के विचार सबके मन में है। तब जो यूनिवर्सलिटी की जो बात हम करते हैं, जो कि हर विश्व में हर कोने में व्यक्ति चाहता एक ही चीज़ है, हम शुरू एक ही जगह से हुए थे, मानव की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई थी, अलग अलग जगह चले गए, किसी की रंग थोड़ा सांवला हो गया, किसी का काला हो गया, किसी का गोरा हो गया, लेकिन हार्ट इन हार्ट हम जानते हैं कि बांटा हमने खुद ही को है, किसी भी तरह से बांटा हो, जाति धर्म देश, लेकिन चाह सबकी एक है। और चूंकि हमारा संवाद नहीं हो पाता इसलिए हम मन में कुछ परिकल्पनाएं करके बैठ जाते हैं। आज जब की बातें मैंने सुनी, फिर उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को मैंने भोजन के समय इंटरेक्शन भी हुआ जी। तो जैसे ही संवाद हुआ बहुत सारी चीजें हमारी खुल जाती हैं। तो मुझे लगता है आज के समाज में, आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है, तो ये बहुत ही दुखद है कि संवाद कम हो गया है, जबकि हम टेक्नोलॉजी को तो संवाद के लिए और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज स्काइप से हम यहाँ बैठ के अमेरिका बात कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी होते हुए भी समय नहीं है, समय होते हुए भी इच्छा नहीं है। तो यहाँ आके मुझे जो सबसे अच्छी चीज ये लगी कि विश्व शांति या विश्व प्रेम, क्योंकि जैसे जितनी बेसिक भावनाएं हैं हमारी, राग द्वेष इवन अच्छी भावनाएं, सारी भावनाओं के पीछे कोई कारण होता है। हम किसी की इज्जत करते हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है, लेकिन प्रेम एक ऐसा भाव है जिसमें कोई कारण नहीं होता। हम आपको ये नहीं कह सकते कि हम आपसे प्रेम क्यों करते हैं, बस वो एक अंदर से भावना आ जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट इमोशन है ह्यूमन, और वही चीज़ ह्यूमन्स को, मानव को मतलब डिफाइन करती है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, इस तरह के और सम्मेलन होने चाहिए जहाँ पे हम प्रेम से एक दूसरे की बात सुन सकें। आम तौर पे जिस तरह से मीडिया में हम आजकल देखते हैं संवाद होता है, वो संवाद कम, कटाक्ष ज्यादा होता है, लड़ाई ज्यादा होती है। यहाँ आज सब एक दूसरे की बात बहुत प्रेम से, सम्मान से, शांति से सुन रहे थे जी जी, और वो शांति सबके चेहरे पे झलक रही थी। क्या ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब आपको कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सार है या आधार है वो एक आध्यात्मिक भाव है, ये भाव कि हम सभी एक हैं, हम सभी आत्माएं हैं या एक परमात्मा की संतान है, जहाँ कहीं ये भावना रहती है जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, तो ये जो प्रेम का उद्भव है वो स्वतः होता है, शांति का उद्भव है स्वतः होता है, क्या ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल सही है सर, जैसे हम कहते हैं ना कि अब यहाँ पे जो ब्रह्म कुमारी का जो स्पिरिचुअल ज्ञान है या उनका जो मूल भाव है कि हम सब भाई बहन हैं, और वो बायोलॉजिकली भी सही है क्योंकि हम, हमारी उत्पत्ति की शुरुआत एक ही परमपिता से हुई है, और उस भाव को हम सिर्फ बोले ही नहीं, उसको अगर आत्मसात कर पाए, उसको हम मान सकें, अपने जीवन में उतार सकें, तो हमें किसी से कोई घृणा चिढ़ या दुराचार की भावना आएगी ही नहीं। मतलब अगर आप मेरे भाई हैं, रुपेश भाई सामने बैठे हैं, तो मुझे अपने आप आपसे बात करने की इच्छा होगी। जी जी जी, तो ये चीज़ हर व्यक्ति को अपने अंदर डालनी जरूरी है, समझनी जरूरी है, और ये किसी और के भले के लिए नहीं, ये विश्व के भले के लिए भी नहीं, ये अपने भले के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं कम से कम 500 लोगों से ऐसे मिला हूँ जिनका मैं शायद नाम भी नहीं जानता, लेकिन जब से हाथ जोड़ के अगर मैं ओम शांति कहता हूँ तो जो अंदर से फीलिंग आती है
वो फीलिंग अपनी खुशी के लिए ही मैं हाथ जोड़ के मिल रहा तो क्या ऐसा लगता है कि यदि ये जो एक आध्यात्मिक ज्ञान है या राजयोग है, यदि जन जन तक पहुंच जाए तो परिवेश पूरी तरह बदल सकता है, विचार लोगों के बदल सकते हैं, और जो आपसी द्वंद या मतभेद हैं, सारी समस्याएं समाप्त हो सकते हैं? बिल्कुल सर, सही बात है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से अनेक अलग अलग धाराओं के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं, आगे उसको और फैलाएं अपने अपने क्षेत्रों में। और जैसे कि अभी मेरी नारायण भाई से भी बात हो रही थी कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स अपने कॉलेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम छात्रों को अच्छा डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग दे पाएं तो वो स्वतः अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। जी जी, तो ये चीज़ तो निरंतर जारी रहनी चाहिए। और जितने अलग अलग धाराओं के लोगों को हम इसमें जोड़ पाएंगे, मैंने यहाँ पे इनका अस्पताल भी देखा जी। और वहाँ पे भी मतलब जो डेंटल विंग है वो भी मैंने देखा, वहाँ से भी हमने सोचा कि हम किस तरह से अपने छात्रों को यहाँ भेज सकते हैं, यहाँ से क्या सीख सकते हैं। तो एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से संवाद करना, एक दूसरे से मिलना, और पूरा चीज़ें अध्यात्म के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ के जो करने में मज़ा है। तो मेरा खुद का भी मानना है कि टीम जो वर्ड है वो टीम का मतलब ही यही है कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो सब जो जुड़ के अगर काम करते हैं तो उसमें मजा ही। जी 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 जी, चलिए सुंदर सी प्रेरणा। आप कौन सी एक सुंदर प्रेरणा अपने लिए लेके जा रहे हैं कि ये चीज मैं जरूर अपने जीवन में लाऊंगा और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये चीज पहुंचाऊंगा? इसके लिए मैं बिल्कुल आपको सत्य बात बताता हूँ कि जब मैंने जल्दी सुबह उठना शुरू किया जी, और इनफैक्ट ब्रह्म कुमारी से मेरा पहला जो इंटरेक्शन कह लें या पहला उनका बारे में, सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम आता था, सुरेश ओबेरॉय जी करते थे जी जी, तो वो मैं सुनता था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। मेरी बीवी से आप पूछ सकते हैं, मेरी क्रोध से मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे सब बहुत रुष्ट रहते थे। लेकिन और मैं चाहता था शायद मैं सबकी डेस्टिनी कंट्रोल कर लूं, मैं उनको सबको सही गाइड कर लूं, अरे मेरा तरीका ही सही है जी जी। और जो आज मेरे में बदलाव आया है, मैं इसका पूरा पूरा श्रेय शिवानी जी और ब्रह्म कुमारीज के जो आध्यात्म है उसको देना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं जो मेरे में बदलाव आया है वो मेरे थ्रू मेरे नीचे जितने छात्र जो पास होके निकल रहे हैं, वो उनके अंदर मेरे अपने परिवार, मेरे दोस्तों, मेरे जो फील्ड के लोग हैं सबके अंदर वो उनका उसका फायदा कहीं ना कहीं सब जगह पहुंचा है। जी जी, तो मैं यही लेके जाऊंगा कि निरंतर हम में जो जो कमियां हैं वो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएं और अपने से ऊपर जो गुरु हैं अपने उनसे वो सीख के उनको अपने आप में बदलाव ला पाएं। तो वही एक जीवन का सबसे मजेदार पहलू है। जी 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 जी, ब्रह्मा कुमारी इसका एक विशेष ध्येय है कि हम पूरे समाज को, संसार को स्वर्णिम बनाएं, स्वर्ग तुल्य बनाएं। आपको लगता है कि ये संभव है? और यदि संभव है तो हर एक को इस दिशा में क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, संभव तो है, और जब तक मानव जीवन है तब तक उम्मीद तो हमें बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है जी। और जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे स्तर नीचे गिरता जाता है, जैसे सत्ययुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, कलयुग आया, लेकिन ये चक्र चलेगा और पुनः एक बार सत्ययुग आएगा। मतलब कलयुग के बाद सत्ययुग आना है। बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है जी। और जब तक हम इस उम्मीद पे हैं कि हम इसको बेहतर बना सकते हैं, उस उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसके लिए लेकिन हमें सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जी जी जी, कुछ आपका रोल है एज अ मीडिया पर्सन कि इनकी अच्छी बातें आपको सब जगह पहचानी हैं, जो कि आप बहुत बखूबी कर रहे हैं। हमारा रोल है, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हमारा जो छात्र है वो हमें एक रोल मॉडल के रूप में देखता है, तो हमारे व्यक्तित्व में जो अच्छे बदलाव आएंगे वो कहीं ना कहीं अपने छात्रों पे भी छाप छोड़ेंगे। जी जी, ब्रह्म कुमारी और इनका जो दादी जानकी जी हैं, उनका और उनका विजन है, फिर उनसे हम सीखें, प्रेरणा लें। मतलब मैं तो आज सचमुच बहुत अच्छा फील कर रहा था कि 102 साल के बावजूद इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट है उनमें और अपने करेज ऑफ कन्विक्शन है कि हमें इस तरह से करना है। जी जी, तो आई एम श्योर हम सबको मिलके उस चीज में आगे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कई लोग निराशावादी प्रकृति के होते हैं कि नहीं, अब तो सिस्टम इतना बिगड़ गया है, समाज में इतनी गंदगी आ गई है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो चीजें हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके चलना होगा, कुछ नहीं किया जा सकता। कितने सहमत हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि
निराशावादी सोच ही मानवता को आगे बढ़ने से रोकती है। जनरली संसार में तीन तरह के लोग मैंने जनरली देखे हैं। एक हैं जो कि बिल्कुल ही निराशावादी हैं, बहुत माइनॉरिटी में हैं। एक हैं जो कि बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत आगे तक सोचते हैं, उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन वो थोड़े साइलेंट हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि ना इधर हैं ना उधर हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सा पलड़ा भारी हो, हम किधर चल पड़े। जी, वो एक तरह से तटस्थ हैं। तो मुझे उनके लिए एक ही कविता मतलब बहुत मुझे याद आती है जी, कि अब एग्जैक्ट शब्द शायद इधर उधर हो जाएं तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो तटस्थ लोग हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप अपना पूरा बल संबल पॉजिटिविटी की तरफ झोंकें जी जी, तो हम बहुत ही कम जो निराशावादी लोग हैं उन्हें अपनी सोच पे बदलने पे मजबूर होना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि जहाँ बहुमत होगा वहीं जीत होगी, और यदि सकारात्मकता की ओर बहुमत आ जाए तो निश्चित रूप से एक स्वर्णिम संसार बनेगा। जहाँ तक विचारों की बात चल रही है डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि मोर देन 80% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, मन से उत्पन्न हो रही हैं बीमारियां, और स्वास्थ्य की आप लोगों की भी बात हुई, तो ये जो बात है कि नकारात्मक विचार हमारे तन को भी रोगग्रस्त कर रहा है, ये जानते हुए भी मैसेज मिलने के बाद भी व्यक्ति अपने व्यर्थ और नेगेटिव विचारों पे काबू नहीं पा पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसे ये संभव हो? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि वी बिकम व्हाट वी थिंक, जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं जी। अगर हम सोचते हैं हमारे अंदर निराशा है, विकार है, तो हमें सचमुच वो चीजें हो जाती हैं। और वहीं अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अब आप देखिए कि जितने बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े लोग जो कि समाज को बदलना चाहते हैं, कभी आप सोचिएगा कि वो ज्यादा क्यों जीते हैं और ज्यादा खुशी क्यों जीते हैं जी। और वाई डू दे एज ग्रेसफुली, क्योंकि उनमें वो पॉजिटिविटी भरी हुई है। और उनसे हमको आज वही प्रेरणा लेनी है कि अगर हम सकारात्मक सोचेंगे हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हमें डायबिटीज नहीं होगी, हम खुश रहेंगे और वो खुशी दूसरों को देंगे, दूसरों को देके हमें और खुशी मिलेगी, और ये रेसिप्रोकल बढ़ते 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 और बढ़ेगा जी जी। और जीने का नाम जिंदगी है, हंसने का नाम जिंदगी है, खुशी का नाम जिंदगी है, प्यार का नाम जिंदगी है। तो हमें वही चीज़ को ध्यान में रखना है। और एज अ डॉक्टर भी मैं कहता हूँ, हम जनरली ये आजकल लाफ्टर थेरेपी बड़ी चीज चलती है कि आप जोर जोर से हंसिए, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। आप मंद मंद मुस्काएं, उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। जी जी, बस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें जी, इसे स्वस्थ भी रहेंगे और आनंद का माहौल भी बना रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके, सुंदर सुंदर बातें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, निश्चित रूप से वो भी इसे अपने जीवन में लाएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। आपके यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया सर। शांति। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे हंसते हुए बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। और यही हमें आध्यात्म सिखाता है कि जीवन के संग्राम को कैसे आप सफलतापूर्वक जीतें, उसमें सफलता अर्जित करें, क्योंकि संसार एक ऐसा खेल है जहां हमें खेलना ही है, विपरीत परिस्थितियां आएंगे, इस खेल को क्यों ना एंजॉय करें। कभी गेंद मेरे पास है, कभी नहीं है, कभी हो सकता है कि हमें जख्मी भी होना पड़े, लेकिन खेल का हिस्सा है, मुझे इसे आनंद पूर्वक खेलना है। ये एक समझ, ये सोच अध्यात्म से हमें प्राप्त होता है। सागर है संसार, तो तूफान तो आएंगे, लहरें छोटी और बड़ी तो आएंगी, लेकिन सफल नाविक वो है जो इसे हंसते हुए आनंद पूर्वक अपने नाव को इस तूफान से पार ले जाए। क्यों ना आध्यात्म को अपने जीवन में शामिल करते हुए हम इस कला को सीखते चलें, ताकि हम भी खुशहाल रहें और दूसरों को भी खुशहाल रखें। अध्यात्म और राजयोग हमें यही सिखाता है मित्रों, तो क्यों ना एक कदम आध्यात्म की ओर बढ़ें और जीवन को खुशहाल बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।